शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट थ्री का क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य का पेपर थ्री जो होता है उसमें आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना होता है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी का क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन 2023 का। तो अभी जिन छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं हिंदी की और प्रयोजन मूलक हिंदी जिनको पढ़नी है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मॉडल पेपर है ऑलरेडी शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के समक्ष मैंने दे दिया, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको, ठीक है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होता है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने होते हैं निर्देश के अनुसार। खंड आ बासा 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है, देखें खंड आ। नोट आपसे कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। दो नंबर का एक एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने बताया था, पूरा पत्र का प्रकार बताया था और कौन कौन से पत्र, सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, व्यवहारिक पत्र हो गया, सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने का भी प्रयास किया था। ये क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, इसको भी हमने समझाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होता है, ये सारे के सारे प्रश्न आप देख पाएंगे अगर आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सेकंड पेपर जो इसका अभी तक नहीं हुआ है उसको लेकर के मैं एक मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक महासंग्राम वीडियो दे चुका हूँ, एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा, ठीक है। प्रश्न अगला है स्वतंत्रता संघर्ष काल में प्रकाशित 2 पत्रों का नाम लिखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता गया था कि प्रारूपण किसे कहते हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी, जो जनसंचार के माध्यम हैं उन माध्यमों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख पाएंगे महासंग्राम और जो एक प्रकार से मॉडल पेपर है उस वीडियो में। परिभाषिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसायिक शब्द, कंप्यूटर संबंधित, वैज्ञानिक, तकनीकी, तमाम क्षेत्रों से परिभाषिक शब्द आते हैं, मैंने पूरा बताया था। अनुवाद से क्या तात्पर्य, अनुवाद के बारे में बताया था। शीर्षकीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने 2022 वाले मॉडल पेपर में बताया था, 2023 में नहीं बताया था इसको, ठीक है। 2022 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। खंडबा की बात की है तो यहाँ से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। देखिए प्रश्न है पत्राचार किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया है आदर्श लेखन की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो पत्र लेखन होता है वो आइडियल पत्र लेखन जो होता है, मतलब अच्छा पत्र लेखन का जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, उसको आपको बताना है यहाँ पर। तो चाहो तो आप पत्राचार किसे कहते हैं इसको बता दो, चाहे अच्छे पत्र लेखन की विशेषताएँ बता दो, दोनों में से केवल एक ही करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 3रा नंबर प्रश्न, देखिएगा कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया था अनुस्मारक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न हमने रखा था और बताया भी था विस्तार से इसके बारे में, उदाहरण भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है परीक्षा में आपके प्रश्न कि संक्षेपण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, अथवा भाव पल्लवन से क्या आशय, भाव पल्लवन संक्षेपण सारे चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था, संक्षेपण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस पर भी हमने चर्चा करी थी, संक्षेपण भाव पल्लवन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रारूपण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रारूपण किसे कहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी हुई है। अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया था टिप्पण कितने प्रकार के होता है, टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, इन सभी पर चर्चा हमने करी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है एक अच्छे पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये भी हमने चर्चा करी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इंटरनेट की उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए, तो इन सभी प्रश्नों पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मॉडल पेपर पढ़ा हुआ उसकी वीडियोस देख लीजिएगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। वहीं अगला प्रश्न आपको खंडसा से जो मिले थे, खंडसा में 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, 15 नंबर का एक प्रश्न होता है, केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं। प्रश्न था प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इसके मुख्य रूपों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हमने रखा था और कहा था इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे सभी लोग, समाचार को परिभाषित करते हुए एक अच्छे समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डालिए, बढ़िया प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आज मीडिया का और बाजारवाद जीवन को प्रभावित करने वाली महाशक्ति बन गई है, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो इस कथन को आप पर चर्चा करनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 10वां नंबर, अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, कार्यालयी अनुवाद के वो मतलब की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।